नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से, क्योंकि अमरिंदर सिंह का साथ छोड़ फरार हुए हैं प्रशांत किशोर, और वो कहां गए हैं, किस पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, क्योंकि अमरिंदर सिंह की और कांग्रेस की समय बन नहीं रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का दामन थामना चाहते हैं प्रशांत किशोर, और हो सकता है इसीलिए उन्होंने अमरिंदर सिंह का साथ छोड़ दिया। पूरी वजह क्या है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की होशियारी है या पागलपंथी है, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दूं आपको, प्रशांत किशोर ने छोड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ, बोले सार्वजनिक जीवन से थोड़ा ब्रेक। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने पहली बार 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के अभियान की कमान संभाली थी। इस चुनाव में कांग्रेस की मजबूत जीत के बाद किशोर हीरो बनकर उभरे थे। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम के नाम लिखी चिट्ठी में सार्वजनिक जीवन से अस्थाई ब्रेक लेने के फैसले का जिक्र किया और कहा कि उन्हें अभी भी अपने आगे के कदमों पर विचार करना होगा। बता दूं, प्रशांत किशोर की इस चिट्ठी का जिक्र करते हुए पत्रकार बरखा दत्त ने भी ट्वीट किया है। बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने चिट्ठी में कैप्टन से खुद को कार्यमुक्त करने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने सभी सलाहकार के पद का प्रभार किया ही नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, चूंकि मुझे अभी अपने भविष्य के कार्य के बारे में निर्णय लेना है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। इस पद के लिए मुझे चुनने और अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने पहली बार 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ पहले ही पार्टी के अभियान की कमान संभाली थी। इस चुनाव में कांग्रेस की मजबूत जीत के बाद प्रशांत किशोर हीरो बनकर उभरे थे। हालांकि अपने संगठन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि IPAC के जरिए वे कई और नेताओं के अभियानों से भी लगातार जुड़े रहे। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाकर चुनाव में जबरदस्त सफलता दिलाने के बाद कांग्रेस पार्टी उनको अपने साथ लेना चाहती है। इसे को लेकर उनकी राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ कई बार बैठक भी हो चुकी है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। फिलहाल इस बारे में पार्टी के अंदर मंथन हो रहा है कि उनको लेकर से कितना नफा नुकसान होगा। हालांकि ताज़ा चिट्ठी सामने आने के बाद माना जा रहा है कि वो 2022 में उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के चुनावी अभियानों से दूरी रख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या होता है, कैसे ये लोग अपना, जिस तरह से कांग्रेस में, आपको इंटरनल बातें बता दूं, प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस पार्टी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी राज्य लेवल पर काम नहीं करेंगे, वो राष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे, यानी कि पूरे देश का ठेका लेंगे प्रशांत किशोर, और उसके बाद उनके अच्छे चुनावी रणनीतिकार बनेंगे, वो यही चाहते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी इतना समय लगा रही है। अगर एक राज्य में इनको अपना सर्वे करना था या चुनावी मैदान में उतरना था तो कांग्रेस पार्टी इनको कब का आदेश दे देती, लेकिन इनसे एक राज्य नहीं बल्कि पूरा देश सर्वे करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, और एक राज्य के लिए, कांग्रेस के लिए वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर कह चुके हैं कई बार कि कांग्रेस पार्टी की लुढ़िया जो है वो डूब चुकी है, कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे जा चुकी है, अब इसे ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद ही ये पार्टी कहीं ऊपर आने वाली है। तो इसीलिए अब प्रशांत किशोर एक ही हीरो हैं, तो स्वाभाविक है कि सोनिया गांधी को भी राष्ट्रीय तौर पर उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें काम भी कराना पड़ेगा, और काम करने के लिए वो उत्साहित भी हैं, इसीलिए उन्होंने अकाली दल का साथ छोड़ दिया और भी कई पार्टियों का साथ छोड़ दिया है। अब एक राष्ट्रीय पार्टी पर, राष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे, ऐसा देखा जा रहा। तो आप भी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं सच्चाई जनता के सामने पहुंचती है। और आज प्रशांत किशोर का कैप्टन अमरिंदर का साथ छोड़ना उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई वीडियो शेयर करते हैं सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर अगर काम कराती है प्रशांत किशोर से, तब तो प्रशांत किशोर काम करेंगे, अन्यथा प्रशांत किशोर काम करने वाले नहीं हैं। तो अपनी राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।